गृह मंत्री ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद से जल बंटवारे से संबंधित विवादों को खुले मन से सुलझाने का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 सितंबर को पंजाब के अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। क्षेत्रीय परिषदें एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती हैं जहां केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच की परेशानियों को स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा और परामर्श के माध्यम से हल किया जा सकता है। चर्चा और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदें सामाजिक और आर्थिक विकास महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती हैं। क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के सामान्य हितों के मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं और सिफारिशें करती हैं। क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका की सराहना करते हुए शाह ने उल्लेख किया कि यद्यपि क्षेत्रीय परिषदें चरित्र में सलाहकार हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वे विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ बंधन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई है। शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार प्रकृति से कार्यवाही मंच में बदल गई है। उन्होंने कहा कि देश के विकास एवं सुरक्षा की दृष्टि से उत्तरी आंचलिक परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की 21% भूमि तथा 13% जनसंख्या के साथ 35% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन उत्तरी क्षेत्र में होता है। मंत्री ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सभी सदस्य राज्यों से अनुरोध किया कि वे जल बंटवारे से संबंधित अपने विवादों को खुले मन और आपसी बातचीत से हल करें। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, उत्तरी सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के जोन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद ने चंद्रयान 3 की शानदार सफलता, G20 शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व और वैश्विक कल्याण की विश्वव्यापी सराहना और संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया।